बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संपीड़न तथा तनाव प्रतिबल, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे लिखा है टेंसाइल स्ट्रेस पहला है जब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स बॉडी को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास करता है। जब किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स बॉडी को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास करता है तो बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। ये एक रॉड है जो कि एक साइड में फिक्स है, ऐसे वर्टिकल है, एक साइड में यहाँ पे क्या है फिक्स है। इस पे हम फोर्स लगा के इसकी लंबाई बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई फोर्स हम लगाएंगे तभी तो लंबाई बढ़ेगा, ये फोर्स की बात हो रही है, लंबाई इसमें बढ़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फोर्स हम लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रतिबल या स्ट्रेस कार्य करता है। ध्यान रहे अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है, टेंसाइल मतलब क्या है, लंबाई बढ़ना, टेंशन मतलब तनाव, लंबाई बढ़ना, तो ऊपर हम लंबाई इसका बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कार्य करेगा, स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर मान लीजिए पर यूनिट एरिया इसका क्या है, ए है, एरिया क्या है ए है, और फोर्स एफ लग रहा है, और माने कि टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू अगर पी है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, P = F/A, यही होता है टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू। क्योंकि फोर्स तो लंबाई बढ़ाने का फोर्स लग रहा है तो लंबाई बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बुक कई सारे बुक्स में ये जो स्ट्रेस दिया रहता है इस तरह से दिया रहता है। स्ट्रेस कैसे दिया रहता है, टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे दिया रहता है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स तो लंबाई बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है लेकिन स्ट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब कंप्रेशन की तरफ, तो स्ट्रेस हो जाएगा एरो नीचे की तरफ लगेगा। फोर्स जो है, फोर्स तो टेंसाइल लग रहा है लेकिन स्ट्रेस नीचे की तरफ लगेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सही है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल। जब किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कंप्रेस करके उसकी लंबाई घटाने का प्रयास किया जाता है तो बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। अब देखिए वो क्या रहा है, क्योंकि कंप्रेशन लग रहा है, फोर्स जो है ये फोर्स एफ है, इसको लगा के इसको कंप्रेस या दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल द्वारा कंप्रेस करके उसकी लंबाई घटाने का प्रयास किया जाता है तो बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स है, फोर्स एफ करके लगा के इसको दबाया जा रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा। ये पी है तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब नीचे की तरफ लगेगा, तो रियलिटी में ये इस तरह से होता है, ये स्ट्रेस ऐसे लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस पी हो जाएगा। अगर एरिया क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, और फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू एफ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, P = F
बाई ए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो खींच रहा है, खींच नहीं रहा है भाई, ये फिगर सही है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है बाहर की तरफ लगता है, आपको लगेगा कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो लंबाई बढ़ रहा है, और जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो अंदर की तरफ लगता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी फिगर सही है और ये भी फिगर क्या है, सही है। बुक में आप लोग देख के फिगर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन आगे जो है सुविधा के लिए कि छात्र कंफ्यूज ना हो बार बार, ये जो है इसको मान लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस और इसको मान लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ताकि आसानी से आप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने जान पहचान के लोगों, मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।